प्रणाम नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रदीप नेगी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेगी व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड और काफ़ी टाइम के बाद आज मैं ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से ब्लॉग्स टाइम पे नहीं आ पा रहे थे। तो फाइनली इस बार आपको बहुत सारे ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे और टाइम टू टाइम मिलेंगे। तो फाइनली ये एक फैमिली ट्रिप होने वाला है, तो हम जा रहे हैं उत्तराखंड और साथ में हैं मम्मी, नित्या और भाई। तो वैसे पापा भी आने वाले थे लेकिन पापा कुछ ऑफिस का अर्जेंट काम पड़ गया था जिसकी वजह से पापा नहीं आ पाए, और तो इसीलिए हम चारों जा रहे हैं। तो बहुत सारा प्रोग्राम है, यहाँ से हम जाएंगे पहले अपने गांव, फिर वहाँ से जाना है मम्मी के गांव। तो काफ़ी मज़ा आएगा इस बार, तो चलिए फिर। अभी तो ट्रिप शुरू भी नहीं हुई और सर में दर्द हो गया मम्मी के। हैं 12 बजे सोई थी, 3 बजे उठ गई थी। सिद्धा कितने बजे उठ गए थे आप? 3 बजे उठ गए थे। क्यों? रोटी बनाने के लिए बताओ। 3 बजे से तो फ्रेंड्स मम्मी उठ गई थी 3 बजे, और 3 बजे से मम्मी बना रही है रोटी। और पता नहीं कितनी 40-50 रोटी पैक कर दी मम्मी ने। 40-50 मम्मी ने रोटी पैक कर दी है। रास्ते में खाओगे भूख लगेगी तब पता चलेगा। सही बात है, सारी रोटियां बना दी। और ट्रिप कितने बजे शुरू होना था भाई? ट्रिप हमारा कितने बजे हम प्लान कर रहे थे? अब कितने बज गए? 5:30 बज गए। कुछ तो कर दिया इस लड़की ने, लेट इस मोटी ने लेट कर दिया, और कुछ हमारी मम्मी ने लेट कर दिया। 3 बजे उठ गए, उसके बाद भी 2 घंटे लग गए मम्मी को है पूरा वो होने में, रेडी होने में। खाना बनाने में टाइम नहीं लगेगा तो 1 घंटा ही तो लगता है। रेडी होने में तो कुछ भी टाइम नहीं लगता खाना बनाने में। और मम्मी सो रही है, ये है रामनगर की मार्केट और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर है बस अड्डा। तो ये रामनगर का बस अड्डा है, जो भी बसेज आती है वो यहाँ आती है। और सामने वो जगह देख रहे हैं, वहाँ पे आप बस जब अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप वहाँ से बस की टिकट मिलती है, जो कि यहाँ से डायरेक्ट आपको पौड़ी या कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो वहाँ आपको मिल जाएगी। और सामने यहाँ मिठाई की दुकानें हैं, और अगर आप आ रहे हैं तो आप यहाँ से कहीं से भी मिठाई ले सकते हैं। और आगे एक पेट्रोल पंप ये रहा, और आगे 2 पेट्रोल पंप और हैं इंडियन ऑयल के, वहाँ से आप अपनी लास्ट फ्यूल भरा सकते हैं क्योंकि उसके आगे फिर आगे पेट्रोल पंप नहीं है। नित्या आ गई अपनी फुल फॉर्म में, दिल्ली वाला लुक। नित्या शो मी योर दिल्ली लुक। अभी दिल्ली वाला लुक है, गांव में बच्चे चुड़ाएंगे आपको इस टोपी से। यहाँ से शुरू हो चुके हैं अब सारे पहाड़ी रास्ते आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जस्ट अभी हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाली रोड पर ही है। हमने रामनगर अभी क्रॉस किया है, तो जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं जिम कॉर्बेट के अंदर आता है। तो जो लोग उत्तराखंड से हैं उन्हें पता होगा रामनगर के बारे में, और जो लोग उत्तराखंड से तो उन्हें पता होगा रामनगर अबाउट जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो रामनगर में आता है, तो उसके आगे ही फिर आपका जितने भी विलेजेस हैं और जो भी हमारे पहाड़ी रास्ते में होते हैं और पहाड़ी घर है वो इसके बाद पड़ते हैं। तो गाइस यहाँ से गिरजा महादेव हम ये मंदिर जा रहे हैं नीचे, हम और सीधा चला जाता है रास्ता रानी खेत के लिए। पीछे से ड्राइवर साहब आ रहे हैं हमारे, और ड्राइवर साहब थक तो नहीं गए आप? नहीं गए। थके नहीं ना, क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं ना, भागना होता तो थक जाते ड्राइवर साहब। क्यों ड्राइवर साहब, रनिंग करनी होती तो थक जाता, गाड़ी चला रही तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप वजन से देख ही सकते हैं ड्राइवर साहब को, खत्म हो गया पेट अंदर कर दिया उसने तो वो कह रहा पेट खत्म हो गया। बताओ थक तो नहीं हो जाने में? कह रहा था आगे तक गाड़ी लेके चलते हैं, मैंने कहा पैदल चलते हैं, थोड़ा वॉकिंग भी ज़रूरी है ना। हाँ भाई, तो उनकी तो उम्र हो गई, उनका तो पेट निकलना चाहिए। तेरी उम्र थोड़ी हुई है, यू आर जस्ट 26 ब्रो। मेरा कहना है
30 रुपए। मंदिर शुरू होने से पहले छोटी सी मार्केट है जहाँ से आप नीचे जाने के लिए प्रसाद और साथ ले सकते हैं। है मंदिर सामने आप देख सकते हैं, और ये जो नदी आ रही है ये है कोसी नदी, और नीचे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे नहा रहे हैं साइड से लेके, और वो देखिए आप लाइन मंदिर में जाने के लिए भीड़ देखिए आप। ये मान्यता है इस मंदिर की, और आप देख सकते हैं नीचे गाड़ियों की लाइन तो थी सामने, आप देख सकते हैं लाइन देखिए कहाँ तक है, मतलब मैं आपको घूम करके दिखाता हूँ वहाँ तक लाइन है, और आप देखिए कि ये मंदिर है। चलो चलो चलो, और यहाँ से एंट्री है, और यहाँ से एंट्री है मंदिर की, और लाइन देखिए आप कहाँ तक है, वो वहाँ तक लाइन है, और जी सामने ऊपर मंदिर है, और नीचे आप लाइन देख सकते हैं कहाँ तक जा रही है इसकी। फ्रेंड्स अभी जहाँ हम गए थे वो गर्जिया माता का मंदिर है, तो नीचे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो मैं आपको थोड़ा बता नहीं पाया उसके बारे में। तो बेसिकली आपने जो नीचे नदी देखी वो कोसी नदी जाती है, और जो माता का मंदिर है कहते हैं कि वो पार्वती माता थी उनके प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है, और इस मंदिर की बहुत मान्यता है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आके अपनी मन्नतों को मांगते हैं, और कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मन्नत आप मांगते हैं वो यहाँ पे पूर्ण होती है। और आई होप कि आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि विशाल रूप में यहाँ भंडारा भी किया जाता है, और आज शनिवार इतवार था तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहती है। तो ये जस्ट आपको रामनगर से अगर आप आ रहे हैं तो आपको 15 किलोमीटर पर गर्जिया माता मंदिर मिलेगा, और आपने देखा होगा किस हाइट और किस चोटी पर वो मंदिर है, तो आप जब भी यहाँ आए तो यहाँ पे दर्शन करके जरूर जाएं। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा यहाँ पे बाइकर्स भी काफी जाते हैं, बाइकर्स देखा मम्मी आपने? क्या थे वो? अरे उन्होंने बहुत सारे कपड़े पहन रखे थे, मैं आपका गुंडा हूँ। अबे यार गुंडे नहीं होते मम्मी, वो बाइकर्स होते हैं, वो ट्रिप करते हैं, वो लोग निकलते हैं, वो गुंडे नहीं होते, वो कह रहे गुंडे थे। फ्रेंड्स 11 बज चुके हैं और भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, और मम्मी को बिल्कुल मिल ही नहीं रहा तप्पड़। मम्मी नहीं मिला तप्पड़? नहीं मिलेगा तप्पड़ तो लग जाएगा। भाई गॉड टॉक्सिक हो रही है मम्मी मेरी, देख रहे हो? कह रही नहीं मिलेगा तप्पड़ तो लगा दूंगी तप्पड़। भाई साहब सही तो है, सुबह का नाश्ता भी नहीं हुआ, डायरेक्ट दिन का लंच करो छुट्टी। देख रहे हो कितनी तेज है, घर पे भी ऐसी करती है मम्मी, सुबह ब्रेकफास्ट बना देती है और वही लंच तक चलता है, और आज भी यही हुआ है। सुबह 3 बजे बना है हमारा ब्रेकफास्ट, और अब बज गया है 12, और कह रही है कि वही बजे वही खाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट और लंच में भी। अपने मायके जाती है आज, मायके जा रही है। कितना टाइम बाद जा रहे हो मम्मी आप? 1 साल में तो गई थी। कहाँ गए थे मम्मी? घोड़ियाना की बात कर रहा हूँ, भी नवंबर में, उस टाइम नवंबर में गए थे। तो फ्रेंड्स घोड़ियाना, तो अभी हम घोड़ियाना जाएंगे, तो अभी हम जाएंगे घोड़ियाना। घोड़ियाना में रहती है हमारी नानी, छोटी नानी है, घोड़ियाना में रहती है हमारी छोटी नानी और हमारे मामा श्री, छोटे मामा श्री दोनों, तो वहीं जा रहे हैं अभी हम। और अभी कितना अराउंड अभी 80 किलोमीटर्स रह रहा है, करीबन 2-3 घंटे, 3-3.5 घंटे और लगेंगे, क्योंकि रोड कंडीशन बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप देख सकते हैं रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी है, जिसकी वजह से हमें अभी भी 4 घंटे और लगेंगे। है मम्मी वो गांव दिख गया, वो कितने जंगल में है? कौन सा गांव दिख गया मम्मी को? जंगल में ना, तो गांव सारे जंगलों में होते हैं, कहां होते हैं? मलाकीला गांव है ना, अब दिख रहा है, मैं दिखाता हूं जूम करके, ये नीचे वो कितने वो है? वो देखिए दिखाओ, वो देखिए मम्मी कह रही है वो अकेला गांव जंगल में दिख रहा है। चारों तरफ से जंगल है उसका, नीचे वो भी तो है। फ्रेंड्स अभी पहुंचने वाले हैं मरचुला, और मरचुला के
छोले छोले का आगे फेमस होते हैं। नहीं, मरचूला की जड़ा खान के जड़ा खान के छोले बड़े फेमस होते हैं। जब हम बचपन में आया करते थे बस से, तो तब दादाजी और के साथ आते थे, दादाजी खिलाते थे छोले, और तब मरचूला के छोले थे, बहुत फेमस छोले। तो ट्राई करेंगे वहाँ एक बार मरचूला के, नित्या को खिलाएंगे। मरचूला नहीं, जड़ा खान, सॉरी जड़ा खान के छोले, जड़ा खान के छोले आपको एक बार ट्राई कराएंगे, और देखेंगे हम कि क्या वो टेस्ट अभी भी है उन छोलों में। हमें टेस्ट करेंगे, और नित्या है, नित्या नित्या करेगी टेस्ट, खिलाएंगे नित्या को भी छोले। आप टेस्ट करोगे, आप बताना फिर, जड़ा खान, जड़ा खान के छोले, और आपको टेस्ट करके बताएंगे क्या वो टेस्ट अभी भी उस पे सेम टेस्ट बरकरार है या नहीं है। फ्रेंड्स, ये पहुंच चुके हैं हम जड़ा खान, और यहाँ भी हम छोले टेस्ट करेंगे, और देखते हैं अभी छोले कैसे हैं यहाँ पे। तो गाइस, ये हैं जड़ा खान के छोले, और अब नित्या करेगी इसको टेस्ट और रिव्यू करेगी क्या इसमें वही अभी बचपन वाला टेस्ट है या खत्म हो गया। नित्या, टेस्ट इट, बताओ जरा टेस्ट करके, इज इट टेस्टी, इज इट टॉक्सिक, हाउ इज इट नित्या? मिर्च है, मिर्च है। मैं क्या, नित्या को तो लगेगी, नित्या को तो लग गई मिर्ची, क्या करें थे? पानी दो, शिट, रुक मैं वो, तू भी खाएगा? फोटो तू भी खाएगा क्या? छोले जाओ, मैं खा लेता हूं, टेस्ट करूं पहले कैसे हो रहा है। मिर्च है क्या ये? अरे वो पागल है वो, नित्या पे आप देखो अम्मी, आप बताओ, आपने तो बचपन में बहुत खाए होंगे यहाँ, आप खाए होंगे जब, अरे जब दिल्ली आए होंगे या कभी गए होंगे खाए होंगे, तो देखो क्या वो टेस्ट अभी भी है या सही लगेंगे तो फिर खाएगा। हाँ सही लगेंगे तो एक प्लेट और लेंगे, पहले खा के मोटू बता कैसा है। मुझे अच्छा लगा, स्पाइसी था। कैसे मोटे? इसमें नींबू डलवा ले, मेरे हिसाब से अच्छे हो जाएंगे। नींबू नहीं इसमें, नींबू नहीं है, नींबू डाल, एक्स्ट्रा नींबू डलवाते हैं। कौन से कौन दो भाई जान, नींबू दे दादा रे, हैं नींबू दे दादा, नींबू नींबू देनी भाई, नींबू छह नहीं छह मेरे छोड़ने छह छह नींबू दे दादा, मेरे को उन तो नहीं, इसमें नहीं, वो दूसरा 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 इन दे दादा रे, दोनों छोड़। इस बार नींबू लेके आए मम्मी के लिए, लो मम्मी नींबू डालो इसमें, और देखो क्या इस स्वाद बदलता है। थोड़ी सी मिर्च है, नींबू डालते, तेरे को भी पसंद है नींबू, नींबू डाल के देखो टेस्ट है इसमें, मिर्च हो रही क्या, थोड़ी सही अच्छी लग रही है, टेस्ट कर सकते हैं। मतलब दो में दे दो यार, नींबू ले जाना है दूसरे का ये नहीं कि अपने पास ही रख लो भैया, नींबू वैसे ही महंगा, बड़ी मुश्किल से दिया है, 10 रुपए एक्स्ट्रा नींबू का। हम भी टेस्ट करके देखते हैं, मैं टेस्टी है, लोगों में जान अब नहीं है यार, घर का खाना था ना। हाँ जी, घर के गेहूँ, घर की दाल थी, दाल थे, घी वगैरह होता था, घर में तेल सरसों का खुद होता था, अब तो सब डुप्लीकेट माल आ रहा है, इंजेक्शन वाली सब्जी खा रहे हम लोग। पापा के फिर लोग खेती कर रहे थे हमारा बंजर सिर पूरा, कोई नहीं करो लोग, उस साइड भी बहुत होती है त्रिपाली राठ क्षेत्र, उधर तो राठ क्षेत्र ना, वहाँ होती बहुत जबरदस्त खेती है। धन्यवाद है, देखना आपकी कल वीडियो आएगी वाली। चलो चलो ठीक है अंकल जी, और कभी दी आगे नहीं आए, चलो धन्यवाद, धन्यवाद। हां फ्रेंड्स, इन्हें अभी ड्रॉप किया हमने, वे चाय पी रहे थे के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे आगे ड्रॉप कर दो, क्योंकि अभी जो सारी बसेज हैं वो यात्रा में लगी हुई हैं, तो जस्ट थोड़ा सा उनको आगे तक जाना था, तो हमने उनको अभी ड्रॉप कर दिया, तो काफ़ी मज़ा आया उनके साथ बातें करके, और मम्मी की वीडियो कॉल मौसी के साथ। मौसी ब्लॉग में आ रहे हो आप भी? ब्लॉग में आ रहे हो आप भी? हाँ मजे आ रहे हैं, चलो करो करो। तो मम्मी लगी हुई है मौसी के साथ वीडियो कॉल पे, तो अभी जस्ट हम यहाँ से अभी अराउंड 60 किलोमीटर से 1.5-2 घंटे का और रास्ता बचा है मम्मी के गांव के लिए, तो जस्ट अभी हम रुके हुए हैं, और रुको एक मिनट, हम दादी को भी ले रहे हैं वीडियो में। दादी नमस्ते, और ठीक हो आप? बढ़िया। खाना वाना खा लिया? हाँ, खाना खा लिया।
अच्छा बढ़िया बढ़िया चलो ठीक है वो दोनों के दोनों वहां से उठा रहे छुती बोलते हैं छुती। और ये होता है बेसिकली चीड़ का पेड़, हमारे साइड बहुत ज्यादा होते हैं ये चीड़ के पेड़, तो उसमें छुती निकलती है जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है और उससे बड़े 8 पीस बनते हैं। नित्या कलेक्ट कर रही है अभी, नित्या इससे कुछ ना कुछ 8 पीस बनाएगी, बहुत ही अच्छे कुछ ना कुछ वो क्राफ्ट के काम करती रहती है, तो उस अभी यहाँ से वो पिक कर रही है। नित्या कुछ ना कुछ तो करोगे ना आप इससे फिर हमें? हाँ वेरी गुड। तो नित्या तो गाइस ये होती है छिमती, ये होती है हमारे साइड इसको छिमती बोलते हैं, इसके अंदर फल भी होते हैं और ये काफ़ी अच्छे इससे डिज़ाइन बनते हैं लाइक पेन स्टैंड्स और कोई बहुत अच्छा, इसको बहुत अच्छा होगा मैं आपको दिखाऊंगा जब भी नित्या इससे कुछ अच्छा डिज़ाइन करेगी, इसमें कलर वलर करेगी तो उसको हम ज़रूर दिखाएंगे वीडियो में। तो नित्या भी ले जा रही है, कलेक्ट कर रही है नित्या यहाँ से, उठा ले चलो ऊपर। क्या करना तुम्हें ऊपर जाके फोटो खींचेगा वहाँ जाके? कहाँ ले जाओ, मैं इतने सारे एक हाथ में तो फोन है मेरे, दो तो पकड़ लूंगा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो ऊपर? मैंने कहा आप तो मजे ले रहे हो ठंड का, हम तो यहाँ गर्मी में उबल रहे हैं। अरे नाना जी आप भी आ जाते, एक सीट खाली थी। उस टाइम कहाँ बोला ही नहीं। यार ये तो बेइज्जती कर दी। अरे यार बात तो आपकी सही है। अरे एक दो दिन के लिए तो मैं आ ही जाता यार। ना नहीं सही कह रहे हो। आ रहे नित्या को छोड़ के आ रहे हम। अच्छा चलो ठीक है। हाँ तब तक नानी के साथ, तब तक इसको बिल्कुल इसको जरा घास काटना सिखा रहे हम। हाँ ओके ठीक है चलो ओके। क्या कह रही है? क्यों नहीं काटेगी तू? घास काटेगी तू? कहाँ जाके रुक जा तू अभी? पोज कर। ये कौन सा पोज है? ये कौन सा पोज है वो तो बता। जेठालाल फिर जेठालाल। तो ये वाला कौन सा पोज है वाला जो तुमने किया अभी? ये मेरा पोज। ये तेरा पोज है यार? ये जेठालाल का पोज है। चल चल घटिया चश्मे, चल भाई फटाफट चल चला जल्दी जल्दी। चलो गाइस बहुत टाइम कर दिया यहाँ पे वेस्ट, आधा घंटा फोटो शूट में इन सब ने, और चलो यार फटाफट चलो अब लेट हो रहे हैं।